उत्तर प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ओबीसी की पार्टी AIMIM ने प्रदर्शन किया है, उसको लेकर के मुस्लिम समाज के बड़े तबके में ओबीसी की पार्टी के लिए रुझान बना है। चूँकि कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वोटर थे उनके जहन में ये था कि इस बार तो समाजवादी पार्टी को देखा जाए और अगली बार से ओबीसी की पार्टी पर आया जाए। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी की पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी, उसको लेकर के जो अब चुनावी मैदान तैयार हुआ है, नगर निकाय चुनाव तैयार हुए हैं, सर पर है, ऐसे में इन चुनावों में बड़ी तादाद में ओबीसी की पार्टी के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। लेकिन वोटरों के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आखिर वो किसको अपना समर्थन दें, जो पार्टी सर्वे करा रही है आखिर किस प्रत्याशी पर एतबार करें। ऐसे में सबसे पहले हम वोटरों से जानते हैं कि आखिर ओबीसी की पार्टी को लेकर वो क्या सोचते हैं, और दूसरा जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनको लेकर क्या जहन है, और जो क्षेत्र में काम हुए हैं 5 सालों में उनसे वो कितने मुतमईन हैं। तमाम बातों को हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज ए वोटर, आप बताइए, जहाँ हम मौजूद हैं ये मेरठ की जाकर कॉलोनी है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, एक बार कैमरा मैन से कहूँ दिखा दें, यहाँ पर AIMIM के जो पोस्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में हैं और कई कई प्रत्याशी मैदान में हैं, दर्जनों प्रत्याशी हैं AIMIM से। तो ऐसे में आप कैसे, किस पर एतबार करें, क्या चाहते हैं, प्रत्याशी को लेकर आपकी क्या राय है, वो हम जानना चाहते हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जागर कॉलोनी जिस वार्ड से लड़ रहे हैं उसमें विकास, मुझे बताइए जागर कॉलोनी का कौन सा वार्ड है बताइए पहले। 86। अच्छा, 86 वार्ड है। तो आप यह बताइए कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी ओबीसी की पार्टी को लेकर के भी दूसरे भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दर्जनों लोग हैं। हाँ। तो आप किस पर एतबार करेंगे, कैसे करेंगे? हम तो पढ़े लिखे और एजुकेटेड, जो हमारी मुश्किलों को समझे और यहाँ पर काम कराए। अच्छा, तो हमें तो सबसे बढ़िया यही लगे। तो आप आइए, आ गया जी। अभी इन्होंने एक बात कही कि हम पढ़े लिखे को चाहते हैं, क्या पहले पढ़े लिखे नहीं थे, पहले काम नहीं हो रहे थे यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन जो है, हमारे यहाँ एजुकेशन की ही कमी है, और अब तक जितने भी हमारे यहाँ सभासद जो भी अपने घोषणा पत्र देते थे, उनके हमेशा घोषणा पत्र में सिर्फ ये रहता था कि हम नाली खड़ंजे बनवाएंगे और स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाएंगे, ये रहता था। लेकिन जो हमारे प्रत्याशी हैं मोहम्मद नवीद सर, ये ओबीसी की पार्टी से? जी, ये AIMIM से ही हैं, ओबीसी साहब की पार्टी से। इनका जो मेन मकसद है और जो इन्होंने टॉपिक दिया है, वो सबसे पहले इनका सिर्फ टॉपिक एजुकेशन के ऊपर ही है, और हमारे यहाँ पर एरिया में आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर एजुकेशन की कमी बहुत नज़र आती है। ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनका जो मुद्दा ये उठा रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन के लिए उठा रहे हैं। अच्छा, मुझे अभी बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि वोटर जागरूक था, वहाँ तख्ता पलट किया, कांग्रेस को हटाया, एक बार नहीं दो बार हटाया। क्या लगता है नगर निकाय के चुनाव में भी एजुकेशन फैक्टर रहेगा, या फिर वही जात बिरादरी, वही अपना ये इस जात का है, उस बिरादरी का है, इस फिरके का है, उसका है? सर, ये ऐसा होता है, देखो सबसे ज़्यादा यही चलता है, फिरकाबाजी आ जाती है वार्ड के चुनाव में, सबसे ज़्यादा ये होता है। लेकिन हमें इससे बहुत ऊँचे उठना पड़ेगा, जात बिरादरी को छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम वहीं जात बिरादरी पे लगे रहेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे, हम फिर वहीं अपना नीचे तबके में घूमते रहेंगे, क्यों हमें बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। हमारे भाई नवेद सर हैं ये, आप पढ़ा लिखा प्रत्याशी चाहते हैं? जी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी चाहते हैं। तो ये देखिए, पढ़े लिखे की बात, अब यहाँ अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा प्रत्याशी चाहिए। पहले ये होता था कि आया, ये हमारी कास्ट का है, हमारी बिरादरी का, वोट कर दिया, उसके बाद 5 साल है नहीं है, जनता को फ़र्क नहीं पड़ता, नेता को फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम एजुकेटेड आदमी होगा तो वो अपनी योजनाओं का जो पैसा है, जिसको कहते हैं निधि आती है, उसको निकाल सकता है, सदन में अपनी बात रख सकता है, अपने कामों को बनवा सकता है, उनके लिए फंड इकट्ठा कर सकता है और जो विकास कार्य उनको करा सकता है। ये तो एजुकेटेड जो पर्सन होगा उसका फ़ायदा है ही। आपको क्या लगता है किस तरीके का प्रत्याशी आप चाहते हैं, कास्ट पर वोट होगा या फिर एजुकेशन पर वोट? जी, वोट होगा, सिर्फ अपना जिसके पर वोट आई वो जीत गया, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं करा अब तक जो देखा। जब वोटिंग के टाइम पे तो सब आएंगे, आते हैं, अब भैया वोटिंग के बाद सब गायब। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? हमें तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो गली का गलियों जो है मूल्य का ध्यान रखे, खम्भे पर लाइट आए, मतलब तार वार टूट जाते हैं। देख पा रहा हूँ खम्भों की लाइट से, मुझे याद आया, एक यहाँ खम्भा है, उधर भी है, इधर भी है, स्ट्रीट लाइट हैं तो, पर ये वो स्ट्रीट लाइट हैं जो पहले हुआ करती थी, अब बढ़िया वाली स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो आपके यहाँ पर वर्तमान में पार्षद हैं, क्या उन्होंने इस क्षेत्र का ध्यान रखा है या नहीं रखा है? रखते हैं, खैर वो क्या रखते हैं, तो वही है, जीतने के बाद
जो कराते हैं कराते हैं, वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं लोग सभी, चाहे तुम देख लो पूरे के पूरा पूरी लिस्ट लिख देते हैं, पर कुछ तो होता कुछ नहीं। एक बात, गंदगी से लोगों ने कहा है तो ये नालों की स्थिति यहाँ एक बार दिखा दें, हालांकि इसमें बड़ी तादाद में पन्नी है, पन्नी भरी हुई है, और ये पोलोथीन वो पोलोथीन है जो प्रतिबंध है, बैन है, उसके बाद भी नालों में ये नालियों में मिल जाती हैं, और सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। नगर निगम के कर्मचारी या तो आते नहीं हैं या फिर यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे करा नहीं पाते हैं। जी क्या कहते हैं, हम उनसे शिकायत भी करते हैं, बोलते हैं उनका आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। डेढ़ महीने से मैं अपनी नाली के लिए उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल आए ये निकाल के चले गए। कौन है पार्षद यहाँ पर? पार्षद हैं इकराम बालियान। इकराम बालियान कौन सी पार्टी से? ये उससे हैं, समाजवादी से। तो आप ही लोगों ने तो वोट किया होगा? हाँ नहीं, वोट तो किया है। इस बार क्या मन है, सपा या ओबीसी? देखो एक बात सुनिए सर, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी गली में देख लो आप सारी गलियों का विकास हो रहा है, इस गली में जिसमें के स्कूल है, जब भी यहाँ पे सफाई कराने नहीं भेजते। अच्छा, सफाई नहीं भेजते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नवेद आलम है। नवेद आलम, आप क्या, आप भी दावेदारी कर रहे हैं? जी मैं दावेदारी कर रहा हूँ सर। कौन सी पार्टी से कर रहे हैं? मैं IMIM पार्टी से। ओबीसी की पार्टी से कर रहे हैं? मैं, मुझे तलाश भी थी आप जैसे लोगों की। आपको क्या लगा ओबीसी की पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं? आपको कैसे लगा कि समाजवादी पार्टी के सामने या बहुजन समाज पार्टी के सामने ओबीसी की पार्टी जो है कहीं टिक पाएगी और नगर निकाय चुनाव में आप जीत पाएंगे? ऐसी क्या आपके पास पावर है, क्या मेंटेलिटी है, थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश की। सर मेरे पास ऐसे तो कोई पावर नहीं है, पर मेरे पास एजुकेशन की पावर है, जिसके बलबूते मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इंशाल्लाह, और आगे भी मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जैसे मोहल्ले में है, और मैं काफ़ी यहाँ पर देखता हूँ कि कितनी परेशानी हुई है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए परेशानी है, और यहाँ पर स्कूल के लिए परेशानी काफ़ी। जो प्रत्याशी हैं पहले भी आए हैं, उनसे मैंने कहा भी कि मैंने यहाँ पे स्कूल है इसके लिए आप। अपने स्कूल भी चलाते हैं? जी मैं अपना स्कूल भी चलाता हूँ सर। मेरे चैरिटी करते हैं या पैसे? जी मैं चैरिटी करता हूँ, मेरा अपना ब्लड बैंक भी है, और अच्छे लेवल पर इंशाल्लाह चल भी रहा है, और अल्लाह ताला हाथ में उतार भी रही है। तो आपके जहन में कहाँ से आया माननीय बनने का आइडिया? मेरे अंदर, मैंने यहाँ के आसपास के माहौल के पहले से प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके काम को ना देखते हुए जैसे उन्होंने किया है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई उनसे अच्छा बेटर करके दिखाऊं। और डिजिटल, जैसे आजकल मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनना चाहिए, ऐसे मैं अपने कॉलोनी को डिजिटल बनाना चाहता हूँ सर। अच्छा आप मुझे बताइए, ये भाई साहब तो दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है समाजवादी पार्टी के सामने ओबीसी के ये पढ़े लिखे प्रत्याशी टिक पाएंगे? बिल्कुल सर, देखिए सर, समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे अक्सर नेता लोग हैं वो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से ये लोग जीत तो जाते हैं। कौन अनएजुकेटेड है यहाँ पर, है कोई प्रत्याशी ऐसा अभी जो मैदान में है? मैदान में सर नाम तो लूंगा नहीं, बट बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम नॉमिनी हैं, भावी उम्मीदवार हैं, बट लोग अनएजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से ये है कि अगर सपोज जेड तक जीत भी जाते हैं वो लोग काम क्या कराएंगे, उनसे अपना फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। मैंने अक्सर देखता हूँ जो बैंकों में जाते हैं हमारे मुसलमान भाई बुरखे में रहते हैं, और लड़कियाँ औरतें और दाढ़ी वाले बेचारे हाजी जी होते हैं, उनसे फॉर्म भी नहीं भरा जाता बैंक का, उनसे वो ढूंढते रहते हैं बराबर वाले को, भैया तू फॉर्म भर दे, तू फॉर्म भर दे। ये सिर्फ एक एजुकेशन की कमी है, अगर आज हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम बैंक में किसी के हाथ नहीं जोड़ेंगे, भाई तू मेरा पैसे जमा करने हैं, मुझे पैसे जमा करवा दे, वो अपना आप फिल कर सकता है। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस बार अपना वार्ड में जो अपने भावी उम्मीदवार हैं ऐसे उम्मीदवारों कम से कम जो पढ़े लिखे हों, जो किसी जनता की बात को सुन लें, अगर किसी की कोई एप्लीकेशन भी लगानी है, किसी को देना है, तो पता चले कि हाँ फला फला अधिकारी ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे। अच्छा मेरा सवाल आपसे है, अभी बताइए आप स्कूल चलाते हैं, टीचर हैं, तो आपको राजनीति के बारे में कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल। दिल्ली था वो तो साहब, लोग जो पढ़े लिखे थे जीत गए क्योंकि वोटर भी पढ़े लिखे थे, यहाँ तो ऐसा नहीं होने वाला है, समाजवादी पार्टी का झंडा गढ़ता है। देखते हैं आप सदन में बहुत सारे नेता सपा के और भाजपा के और बसपा के हैं, ओबीसी के पार्टी के तो मुझे लगता है कोई प्रत्याशी कोई पार्षद है नहीं, कैसे पार पाएंगे घाक के सामने? इंशाल्लाह सर मैं बहुत कोशिश करूंगा, चारों तरफ देखूंगा जैसे माहौल चल रहा है, मिलजुल कर मैं मेहनत करूंगा यहाँ पर, और जो है मैं अपने जो मेरे घोषणा पत्र है जो मैं यहाँ पर चाहता हूँ वो मिलजुल के मैं यहाँ पर आपसे जो लोग बाग हैं यहाँ पर। क्या घोषणा पत्र है, कुछ आपने सोचा कि क्या क्या करेंगे आप यहाँ वार्ड? मैं यहाँ पर अपने एक तो गर्ल्स कॉलेज बनाना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर लड़कियाँ हैं वो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर आसपास मुस्लिम कॉलेज नहीं है, ठीक है, लड़कियाँ बाहर जाती हैं, और जो यहाँ पर फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ मैं गर्ल्स के लिए। ये तो आप सदन में अपनी बात रखेंगे, प्रपोजल देंगे, वहाँ नहीं माना जाएगा तो ये लोग आपके पीछे दौड़ेंगे कि वादे तो आपने चुनाव में बहुत बड़े बड़े किए, आप करा नहीं पाए, फिर कैसे करेंगे? क्योंकि सिस्टम मैं अपनी तरफ से अपने स्तर से इस काम को करना चाहूँगा सर। अपनी तरफ से करेंगे, देखिए बहुत बड़ी बात आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपके वार्ड में गर्ल्स स्कूल है? नहीं है? नहीं है। तो क्या चाहते हैं स्कूल बने इस तरह के लोग? ऐसे ऐसे आदमी बड़े आदमी होंगे तो अपना भी होंगे, मोहल्ला साथ देगा तो क्यों नहीं होगा।
अच्छा मैं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, इनसे मैंने पूछ लिया, ये बताइए और जो प्रत्याशी आएंगे उनसे भी पूछेंगे आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा आप बताइए, आप बताइए क्या कह रहे थे? सिर्फ नाली साफ करवाने के सिवा सभासद कुछ नहीं कर सकता, बताओ क्या कर सकता जी, बताओ मुझे क्या कर सकता भाई। प्राइमरी यो आबादी आज की तो है नहीं, प्राइमरी स्कूल आज तक कोई सा सभासद लाया हो, कोई नया उम्मीदवार मुझे ये बताओ। उन्होंने आपने बात सुनो, उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा कि मैं खुद लगा बना लूं। उन्होंने ये नहीं कहा सदन से ले लूंगा, मैं सदन से नहीं मिलेगा, सब जानते हैं। कौन कौन करा नहीं मिलेगा, ला देंगे कौन, अब तक कोई नहीं लाया, क्यों नहीं? मुझे निरपेक्ष करवा मैं दूंगा। क्या नाम आपका, आप तारुफ करें? इरशाद मलिक नाम है मेरा, मैं दूंगा। ये जितने सभासद उठ रहे एक कहो वायदा करो कि प्राइमरी स्कूल दे रहे। हाँ भाई वादा करेगा कोई इनसे, ये अगर स्कूल ला के देंगे इनसे वादा करेगा कोई? ये तो इलेक्शन जीतने के बाद की बात कर रहे हैं, मैं पहले ला के दूँ बे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप ये स्कूल पहले ला के दे देंगे ये वादा कर रहे हैं। अब चाहे पूरी पूरे वार्ड को इकट्ठा कर लो, मैं प्राइमरी स्कूल पहले ला के दे दूंगा, लगाओ सर तेज लगा। आप इनको समर्थन दिए, स्कूल मंगाइए ना आपका, आपका तो मोटिव स्कूल आने का। जी 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 मेरा मोटिव है इंशाल्लाह। चलो ठीक, अरे नाली के सिवा कुछ नहीं कर सकता सभासद, नाली साफ करवा सकता, वो भी इन पे होने की नहीं, कोई से ना आज तो कराई हो 40 साल से मुझे बता दो। अब यहाँ कौन है पार्षद? कौन है यहाँ? इकराम बालियान है। वो कराते नहीं काम क्यों? अभी दिखाता हूँ मैं नालियों का हाल, पीछे देखो भरा पड़ा। मैंने दिखाया, दिखाया ना मुझे, बताइए कराते नहीं कराते? कराता है महीने में एक बार, चार कर्मचारी छह कर्मचारी उसी गली के पास लग रहे हैं, 20 कर्मचारी हमें, उनमें 10 छुट्टी है, 10 आते हैं, चार उसके पास, छह पूरी कॉलोनी के लिए, ये हाल है। आप मुझे लगता है जागरूक हैं, आपने इस बारे में किसी से कहा? किस, मैंने इरफान से कहा जब पार्षद था, यहाँ जमीनें भी थी। नहीं नहीं पार्षद जब सुनेंगे नहीं तो किसी और से भी कहेंगे, पार्षद से कहेंगे? नहीं मैंने नगर आयुक्त से भी कहा, एक्शन हुआ, मैंने संपत्ति अधिकारी से भी कहा, लेकिन करवाने वाला भी तो खामखाई फर्जी फिर रहे हैं। तो एक्शन हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। अब ये बताइए जब एक्शन नहीं हुआ तो आप सिस्टम से कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? सिस्टम से लड़ूंगा ना, मैं बता दूंगा कैसे लड़ूंगा। बताइए तो फिर, इनमें से कोई से की ताकत नहीं है जो सिस्टम से लिया मैं। आप फिर आप ताकत के बल पे लाना पड़ा, अपने बल से लाना पड़ता। आप क्यों लड़ेंगे हैं? वो टाइम बताएगा, वो टाइम हम पहले लाके दिखाऊंगा। चलो स्कूल आइए, आपका नाम तारुफ कराते जाइए। इरशाद पूछ लिख नाम है मेरा, यहीं रहते हैं, यहीं रहता हूँ। ठीक है, ये इरशाद जी का बहुत बड़ा दावा है कि प्राइमरी स्कूल चुनाव से पहले ला कर देंगे, चूंकि चुनाव में बहुत थोड़ा वक्त बता है बचा है, हम देख लेंगे इनसे पूछ लेंगे। इरशाद मलिक है, आप जानते हैं इनको कौन? जी जी मलिक साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जानते हैं? न्यूज़ वॉच इंडिया को इनके घर लेकर जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं आया, चलेंगे लेकर। हाँ हाँ देखिए बहुत बड़ा दावा इन्होंने यहाँ किया है, स्कूल ला कर देंगे। हालांकि जो यहाँ जनता है जो चाहती है कि एजुकेटेड यहाँ प्रत्याशी हो मैदान में हो और वही जीते, हालांकि बड़े बड़े दावे वादे सब करेंगे, लेकिन जो एजुकेटेड होगा सीधे तौर पर वो सदन में जाकर अपनी बात रख सकता है, बात मनवा सकता है। और जिस तरीके से ये शख्स आए और वादे बड़े बड़े किए, ये निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं, ये भी देखेंगे हम लोग आकर के किस तरीके से प्राइमरी स्कूल ला कर देंगे और भविष्य में ये हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी देखेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।